बलिया से खबर है जहां अधिवक्ता एसोसिएशन अध्यक्ष सरफराज अहमद ने कहा है कि मिलने पहुंचे वकीलों का नंबर लगवाने वाली बेलसा रोड की पहली एसटीएम है दीपशिखा सिंह। तहसील अधिवक्ता एसोसिएशन अध्यक्ष सरफराज अहमद ने एसटीएम दीपशिखा सिंह पर अनेक गंभीर आरोप लगाए। अधिवक्ता सरफराज अहमद ने बुधवार को कहा कि एसटीएम दीपशिखा सिंह अपने चैंबर के बाहर फरियादियों की लाइन में ही वकीलों को खड़ा करवाती हैं और नंबर से आने के लिए कहती हैं। ऐसा न करने पर तैनात होमगार्ड का वेतन कटवा देती हैं। एसडीएम के रवैये से नाराज तहसील अधिवक्ता एसोसिएशन अध्यक्ष सरफराज अहमद ने बुधवार को तहसील में पत्रकारों से वार्ता के दौरान एसडीएम पर मनमाने के अनेक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत करने पर वह झूठ भी बोलती हैं कि ऐसी बात नहीं है। उन्होंने फिर दोहराया कि एसडीएम पर मनमाने के अनेक आरोप लगाए। अधिवक्ताओं और संघ का सम्मान न करने वाली एसडीएम के ट्रांसफर होने तक उनकी कोर्ट का बहिष्कार जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। मैं सरफराज अहमद एडवोकेट तहसील अधिवक्ता एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। बिल्कुल जी, क्या मामला है सर? आज एसडीएम साहब से कुछ बकझक हो गया था, जानकारी मिला, चर्चा है। आज मामला ऐसा हुआ कि ग्रामीण न्यायालय के बारे में माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार शायद जिला से डीएम साहब के थ्रू इनसे रिपोर्ट मांगी गई थी। क्योंकि ग्रामीण न्यायालय ऊपर बना हुआ है जमाने से, अब तक ग्रामीण न्यायालय चालू नहीं हुआ है, उसके बाबत रिपोर्ट मांगी गई थी। तो एक हफ्ता पहले मैंने इनसे पूछा कि मैडम क्या रिपोर्ट गई है, तो कह रहे कि अभी भेजा नहीं है, दो दिन के बाद भेज देंगे, जाँच चल रही है। फिर आज अधिवक्ताओं ने दरखास्त दिया कि भाई ग्रामीण न्यायालय के बारे में अब पूरे ज़िले के हर तहसीलों का रिपोर्ट चला गया है, यहाँ का नहीं गया है। तो मैंने दरखास्त पढ़ी, मैं उनके कोर्ट का मतलब आज जो है सांकेतिक न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए एक दबाव बनाने के लिए मैंने कहा कि उनके कोर्ट का बहिष्कार हो जाए। तो उन्होंने जो है बहिष्कार के बाद से हमको बुलाए, मैडम ने बुलाई, हम थे, मंत्री जी थे और अधिवक्ता थे, कुछ अधिवक्ता वहाँ बैठे हुए थे चेंबर में, तो वहाँ बात होने लगी। तो उन्होंने कहा कि ये प्रशासनिक मामले में आपने दखल दिया है, आपको कोई अधिकार नहीं है रिपोर्ट मांगने का या इसके बारे में हड़ताल करने का। मैंने कहा कि क्यों, वकील है, मैं वकील हूँ, अब वकील न्यायिक प्रक्रिया का एक पार्ट होता है, हम तो जानकारी ले सकते हैं, और मैं बार का अध्यक्ष हूँ, क्या आपने क्या रिपोर्ट भेजा है, क्या दिखा नहीं सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं दिखाएंगे, आप जाके जिलाधिकारी महोदय से पूछिए, आप जाके आगे पूछिए, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगी। मैंने कहा कि यह जो हट की बात है, ये नहीं करना चाहिए आपको। तो बात होने लगी। उस पर उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं आपको कितना सहयोग किया हूँ, 3 महीने में कैसे मैं मैनेज करके सहयोग कर रहा हूँ, हमारा बार संघ सहयोग कर रहा हूँ। तो कह रहे कि नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि हमारा बार साथ नहीं दे रहा आपका, तो कह रहे कि अरे बार कितना साथ दिया है मैं जानती हूँ। मैंने कहा कि ये तो अच्छी बात नहीं है। तो यानी अपने जिद में उन्होंने जो है कोई रिपोर्ट के बारे में कोई ये नहीं, और नहीं तो कहने की प्रशासनिक मामला आपसे मतलब नहीं है, ना ही आप पूछने के हकदार हैं। इस व्यवहार को आप कैसे ले रहे हैं अध्यक्ष? ये व्यवहार है जो अध्यक्ष, ये वकीलों के हित में नहीं है। और देखिए, मैं 3 महीने से जब से आई हैं तब से मैं देख रहा हूँ उनका व्यवहार, आए दिन वकील जो है उनके खिलाफ जो है शिकायत करते रहे, मैं अवॉइड कराता रहा, मैं ये भी कराता रहा, यार छोड़ो जान दो, चल रहा है चलने दो, लेकिन कितना झेला जाए। आज उसी उनके व्यवहार को देखते हुए, आज की घटना को देखते हुए आम सभा की मैंने मीटिंग बुलाया, आम सभा में एक आदमी एक अधिवक्ता भी ये नहीं कहा उनके पक्ष में कि नहीं उनके कोर्ट का न्यायालय का काम हो, या इसलिए कि उनका व्यवहार भी ठीक नहीं है। वकीलों को लाइन लगवाती हैं, उसमें 10 से 12 के बीच में जन सुनवाई में वकीलों की लाइन लगवाएंगे तो वकील भाई परेशान रहेगा। तो मैंने ये पूछा तो कह रही है कि नहीं, वकीलों के तो लाइन नहीं लगवाती हूँ, जबकि वकील अगर चला गया तो गार्ड का तनख्वाह, एक दिन के तनख्वाह का पैसा कट लेते हैं, मैं ये भी सुना हूँ। लेकिन सब कुछ बर्दाश्त करते हुए मैंने झेला है यहाँ तक, लेकिन अब बहुत ज़्यादा नहीं झेल पाएंगे हम लोग, क्योंकि न्यायिक कार्रवाई भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में क्या निर्णय लिया गया? तो निर्णय सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया गया कि इनको जो है यहाँ से ट्रांसफर तक हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे, उनके कोर्ट का बहिष्कार करेंगे,
और शासन प्रशासन से मांग करेंगे आपके माध्यम द्वारा कि उनका जल्द से जल्द यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। ये नहीं कि प्रशासनिक तौर तरीके उनको पता नहीं कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे क्या फेस करना चाहिए, और उतावलेपन उनके अंदर है थोड़ा सा। एसोसिएशन ने फिलहाल अभी उनके कोर्ट के बहिष्कार का निर्णय लिया है जी, तो क्या इसमें कुछ तब्दीली भी हो सकती है आगे अगर मांग पूरी ना हुई तो? नहीं, मांग पूरी अगर पूरी नहीं होगी तो हम लोग शासन प्रशासन से भी मांग करेंगे, जरूरत पड़ेगी की धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन तो मुश्किल है इसलिए कि सर्वसम्मत से पास हुआ है, कोई भी अधिवक्ता उनसे खुश नहीं है। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।